ये स्क्रैच जो धब्बे हैं पानी के, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने सोचा कि इसके लिए अब ये लेकर आऊँ। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? सो आज जो है दो चीज़ें हैं मेरे को बताने के लिए। पहली क्या है वो है, जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं कि मैंने अपने फ़िश टैंक को करा है साफ। अभी जो है ये स्क्रैच जो धब्बे हैं पानी के, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बस ये नहीं जा रहे, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई कि कैसे जाएंगे। मैंने बहुत बाहर से इसको रगड़ रगड़ के कराया है साफ, बट फिर भी ये नहीं जा रहे हैं, पता नहीं अब कैसे जाएंगे। बट अंदर से पूरा साफ़ हो चुका है, देख सकते हैं आप, जैसे कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है बिल्कुल, ये देखिए। एंड मेरी ये फ्लावर हॉर्न देखिए, पूरा थोड़ा सा इंक्रीज हुई है थोड़ी सी। एंड गाइस, सेकंड थिंग, मैं इसके लिए लाया था ये फूड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हेम्पी हेड इंक्रीज हेड ग्रोथ एंड शेप। ये फ्लावर हॉर्न के हेड और शेप को इंक्रीज करता है। एक्चुअली मेरी फ्लावर हॉर्न जो है थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज हुआ है, सो मैंने सोचा कि इसके लिए अब ये लेकर आऊँ। एक्चुअली जहाँ से मैंने ये ली थी तो उन्होंने बोला कि अब आप इसको ये फूड दीजिए ताकि इसका हेड अच्छे से ग्रोथ हो, सो मैं लेकर आया हूँ इसको, है ना। और मैं भी यही चाहता हूँ कि इसका हेड जो है अच्छे से और जल्दी इंक्रीज हो। स्पेशली फ्लावर हॉर्न का हेड जो है वो इसकी खासियत है कि फ्लावर हॉर्न का हेड जो है बड़े, और फ्लावर हॉर्न का हेड जो है, इसी वजह से फ्लावर हॉर्न जानी जाती है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि फ्लावर हॉर्न का हेड कितना स्पेशल होता है, सो बहुत जल्दी इसका भी हेड ग्रो होने वाला है और मेरे को बेसब्री से इंतज़ार है, ये देख सकते हैं। एंड गाइस, ये देखो मेरा टैंक, तो मतलब मज़ा आ रहा है इसको देख कर, ना मन कर रहा है बस इसी के सामने बैठा रहूं और इसको ही देखता रहूं। देखो कितना अच्छा साफ क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। एंड मैंने जो है इसमें अब जो सैंड था उसको थोड़ा सा कम करा है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा सैंड कम करा है, देखिए, ताकि फ्लावर हॉर्न को अच्छे से थोड़ा अच्छे से स्पेस मिले एंड अच्छे से रहे वो। एक्चुअली फ्लावर हॉर्न को बिल्कुल भी ये स्टोन वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसा कि मेरे को पता है, मतलब मैंने यूट्यूब से देखा है कि फ्लावर हॉर्न को ज़्यादा स्टोन्स वगैरह पसंद नहीं है ये, तो मैंने थोड़े से सैंड वगैरह भी निकाल दिया है। एंड अगर मुझे लगेगा कि फ्लावर हॉर्न थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रही है तो मैं ये बड़े स्टोन्स भी हटा दूँगा, बड़ा स्टोन भी हटा दूँगा। एंड ये देखिए। एंड गाइस, एक और गुड न्यूज़ है, एक्चुअली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 10 बोल रहा था, 100 सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं, एंड बिकॉज ऑफ यू, है ना, आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट कराया अच्छे से। एंड मानता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक मिडिल क्लास लड़के के लिए ये बहुत बड़ी बात है, है ना। मतलब एक टाइम था जब मेरे एक सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, मतलब मेरे दोस्तों से बोलता था अपने कि यार मेरे सब्सक्राइब बढ़ा दो, बट वो करते भी थे, कुछ करते थे और कुछ नहीं करते थे, तो थोड़ा दुखी होता था, मतलब खुद अजीब सा लगता था, मतलब कुछ थोड़ा कि यार मतलब मेरे ही क्यों नहीं बढ़ रहे। तो अब जो है ये मेरे खुद से अपने आप ही बढ़े हैं, बिकॉज ऑफ यू, आप लोगों की वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। तो आई होप कि अभी 100 सब्सक्राइबर्स बढ़े और आगे जाके और बढ़े, और जाकर आगे 1000 हो, 1,00,000 हो, तो ऐसे ही मेरे को सपोर्ट कीजिएगा, है ना। एक मिडिल क्लास लड़के के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना। सो अच्छा लगता है कि मतलब आप लोग मेरे साथ जुड़े हो और मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी, दिल से शुक्रिया। एंड मेरी ये पैरेट फिश, जैसा कि आप सबको पता ही है, देखिए मैंने शॉर्ट्स में डाला था, इसका जो माउथ है ये मेरी फ्लावर हॉर्न की एक करमात है। इस फ्लावर हॉर्न ने मेरी पैरेट फिश का माउथ ये ऐसे सुझा दिया, मैंने इसकी अलग से शॉर्ट्स डाली हुई है एग्रेसिव फ्लावर हॉर्न के नाम से,
सो वो भी आप चेक कर सकते हो मेरे शॉर्ट्स में, है ना। और मेरे को ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।